लिए चलते हैं अयोध्या, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और आज मैं मेरा कर्तव्य मानता हूं, एक श्रद्धा है, भावना है, फिर से एक बार मैं रामलला का दर्शन करने और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ सारे मेरे अपने पूरे भगवा परिवार के लोग हैं। जब मैं पहली बार आया था, उसी वक्त मैंने कहा था कि ये मेरी पहली बारी है, बार बार मैं यहाँ आऊँगा, बार बार आऊँगा। तो आप देख रहे हो कि 1.5 साल में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और आगे भी आते रहूँगा। आज मैं आपको मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। इच्छा तो जरूर थी कि जैसे पहली बार मैं यहाँ आया था तो सरयू नदी की यहाँ आरती की थी, इच्छा तो बहुत थी, आज भी करने की इच्छा थी। आप सारे लोग जानते हो कि पूरे विश्व में वो कोरोना वायरस का सब एक आतंकी फैला हुआ है, और कल ही मैंने मेरे राज्य की पूरी जनता को आह्वान किया है, विनती की है कि कहीं पर भीड़ ना करे। और इसलिए मैंने आज जो आरती वाह करने वाले थे हम सारे लोग, आज तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं जरूर आऊँगा, फिर से आऊँगा और आते रहूँगा, आरती भी करूँगा। कल ही मुझे पता चला कि यहाँ जो ट्रस्ट जिस स्थापन हुआ है, निर्माण किया गया है, और ट्रस्ट का निर्माण होने के बाद बैंक अकाउंट कल ही खुल गया है अयोध्या में। जब भी मैं अयोध्या आता हूँ या राम मंदिर का विचार सोच मन में आती है तो वो सारे दिन याद आते हैं जब मेरे पिताजी बाला साहब ने नेतृत्व किया था। और वो दिन भी याद है, सारे लोग मुझे मेरे साथ आज भी है, पूरे महाराष्ट्र से गांव-गांव से श्री राम लिखी हुई शिला सारे लोग लेके आते थे, उसका पूजन करने के बाद यहाँ वो सारी शिलाएं भेजी गई थी, शायद यहाँ पे होगी वो शिलाएं। तो जैसे वो एक शिला थी, एक 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 शिला बनकर लेकर वो मंदिर बनेगा। हमारे मराठी में एक कहावत है, फूल ना फुलाची पाखड़ी। तो वैसे मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार की ओर से नहीं, लेकिन हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूँ। और मैं विनती करता हूँ बड़े विनम्रता के साथ, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ट्रस्ट के जितने सारे महानुभव हैं, उनको विनती करता हूँ कि ये हम राम भक्त इस मंदिर निर्माण के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, उसका वो स्वीकार करें। और मैं मेरे महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, कल परसों ही कल ही मेरी बात हुई, उनको भी मैं विनती करता हूँ कि मंदिर तो जरूर बनेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे, वो तो बात अलग है, राम भक्त मंदिर बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से काफ़ी सारे राम भक्त यहाँ जब भी आएंगे तो उनको रहने के लिए मैं योगी जी को एक विनती करता हूँ कि अगर वो यहाँ एक जगह हमें दे दे तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र भवन का भी निर्माण हम यहाँ करेंगे। ये मंदिर तो सबके लिए रहेगा, और मंदिर तो ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये मंदिर कैसा है, कैसे बन गया, वो देखने के लिए आए, ऐसी मेरी इच्छा है। और जैसे मैंने पहली बार आपके साथ बात शुरू करते हुए कहा था कि तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ, और हर वक्त जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ प्रभु रामचंद्र की कृपा से कामयाबी साथ लेकर आता हूँ, कामयाब होकर आता हूँ। तो ये मुझे मौका बार बार मिलते रहे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को करता हूँ, और सबको धन्यवाद देता हूँ।